आप देख रहे हैं studydesire.com। तो जी हाँ दोस्तों, जेई कैप का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म रिलीज हो चुका है। पूरा प्रोसेस यहाँ पर देखिए कि क्या क्या प्रोसेस है, कैसे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जेई कैप इन द सेंस यूपी जॉइन एंट्रांस एग्जामिनेशन का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिलीज हो चुका है। पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलेगी। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन की बटन को भी प्रेस कर लो, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके, क्योंकि हम इसी प्रकार की एजुकेशन और करियर की न्यूज studydesire.com के चैनल पर डालते रहते हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन की बटन को भी प्रेस कर लो। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो बड़ी न्यूज निकल के आई है वो ये है कि यूपी पॉलिटेक्निकल ऑनलाइन फॉर्म जो है वो रिलीज हो चुका है। यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन हम आपको बताएंगे। तो ये जो पेज है इसका लिंक डाल देंगे हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। आप उस पर जैसे ही क्लिक करके आएंगे वैसे आप आ जाएंगे यहाँ पर studydesire.com के ऑफिशियल पोर्टल पर। यहाँ पर आप जैसे आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको पूरी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको प्राप्त हो जाएगी। तो सबसे पहले देखते हैं क्या है पूरी इन्फॉर्मेशन। जैसे आप वहाँ पर क्लिक करके आएंगे तो आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे। यहाँ पर आप जैसे आएंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जैसे आएंगे तो यहाँ पर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन दिखाई दे जाएगी। सबसे पहले आपको इससे पढ़ लेनी है ध्यान से, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो यू हैव टू रीड इट आउट। यहाँ पे ये हमने सब कुछ दे दिया है। तो यहाँ पर जैसे कि आप आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ द टेक्निकल एजुकेशन यूपी वीटीई इज गोइंग टू रिलीज यूपी पॉलिटेक्निकल ऑनलाइन फॉर्म 2020 फॉर द वेरियस कोर्सेज लाइक पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा इन उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर। मतलब ये जो एग्ज़ाम होगा वो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से होगा और प्राइवेट सेक्टर कॉलेजों के लिए भी होगा, जो कि अफिलिएटेड है बोर्ड ऑफ द टेक्निकल एजुकेशन PTEUP से। द एग्ज़ाम इज कंडक्ट फ्रॉम, ये जो एग्ज़ाम होगा ये 26/4/2020 से लेकर 28/4/2020 तक ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसकी ऑफिशियल डेट आ चुकी है 26/4/2020 से लेकर 28/4/2020 तक ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो पूरी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर आपको बताएंगे। फिर आप पेज को आप स्क्रॉल अप करेंगे तो स्क्रॉल अप करने के बाद यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है, इसे आप पढ़ लेंगे। इसे पढ़ने के बाद पेज को स्क्रॉल अप करेंगे तो स्क्रॉल अप करने के बाद हमने यहाँ पर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, इसे आप देख लेंगे। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि ऑर्गेनाइजेशन का क्या नाम है, एग्ज़ाम का क्या नाम है, कोर्स कौन कौन से होंगे, स्टार्ट डेट कब होगी, एग्ज़ाम कब होगा, ऑनलाइन फॉर्म आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। ये चीज़ देखेंगे फिर इसको आप स्क्रॉल अप करेंगे। स्क्रॉल अप करने के बाद यहाँ पर हमने यूपी पॉलिटेक्निकल ऑनलाइन फॉर्म 2020 के जो कोर्सेज हैं उसके बारे में हमने यहाँ पर बताया हुआ है कि आप कौन कौन से कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, इसके बाद एग्रीकल्चर, फैशन, मॉडर्न, डिप्लोमा इन फार्मेसी, ये जो है यहाँ पर 3 साल के 2 साल के। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं। हमने वहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाला हुआ है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करके इस पेज पर आके पूरी इन्फॉर्मेशन आप देख लेंगे। उसके बाद पेज को स्क्रॉल अप करेंगे आप। जैसे आप पेज को स्क्रॉल अप करेंगे तो यहाँ पर हमने एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बताया हुआ है कि क्या क्या आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो कोर्स के अकॉर्डिंग आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। आप जो भी कोर्स के लिए अप्लाई करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन की रिक्वायर पड़ेगी। जैसे कि यहाँ पर हमने दिया, जैसे कि एग्रीकल्चर के लिए अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपके पास 10th पास होना चाहिए कम से कम, वो भी 35% से। और वैसा ही डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग के लिए, तो इसके लिए भी आप अप्लाई करेंगे तो आपके पास 10th पास का जो सर्टिफिकेट होता है वो होना चाहिए आपके पास, प्लस 35% आपके पास होने चाहिए। तो ये चीज़ यहाँ पर है। इसके बाद अगर आप इसके लिए करेंगे डिप्लोमा इन फार्मेसी तो आपके पास होनी चाहिए 12th। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने दी हुई है, इसे आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। इसके बाद क्योंकि टेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट तो आप इसे देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स का जो लिंक है आपसे फॉलो करते हुए ये सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। उसके बाद पेज को स्क्रॉल अप करें तो स्क्रॉल अप करने के बाद यहाँ पर हमने एज के बारे में बताया हुआ है कि आपको क्या एज रिक्वायर होगी इसे अप्लाई करने। तो यहाँ पर कोई भी एज यहाँ पर अभी वो नहीं दी हुआ है, मतलब आप कोई भी एज के हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बस डिपेंड ये करता है कि जो भी ऊपर एलिजिबिलिटी दी हुई है उससे आप
को फुलफिल होना चाहिए आपसे, अगर वो आप करते हैं फुलफिल तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम फी की बात करते हैं कि क्या फी आपको पे करनी पड़ेगी। तो फी की अगर बात करें तो अगर अगर आप ST और SC से बिलोंग करते हैं तो आपको 200 रुपये फी पे करनी पड़ेगी, और बाकी की जो भी कैटेगरी में आते हैं जैसे जनरल हो गया या फिर OBC हो गया, तो आपको 300 रुपये की फी पे करनी पड़ेगी। और जो ये फी होगी वो ऑनलाइन ऑफलाइन होगी, तो आप यहाँ पर हमने दिया हुआ है ये चीज़ होंगे, मतलब इन्हें से आप पे फी कर सकते हैं। यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI का ई चैनल फॉर्म होगा, तो इससे पे फी पे कर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन भी आप पे फी कर सकते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे थी। इसके बाद हमने यहाँ पर पूरी इंफॉर्मेशन दी हुई है कि आप इसके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज़ मैंने कि हाउ टू अप्लाई फॉर JEECUP एंट्रेंस एग्जाम, तो अप्लाई करने के लिए प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, इसी प्रोसेस का फॉलो करते हुए आप डायरेक्टली इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। जैसे आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे तो उसके होम पेज पर आप जैसे आएंगे, तो होम पेज पर आने के बाद आपको यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म टू अप्लाई JEECUP का जो ये जो आएगा ना, इसे बोलते हैं लिंक, यहाँ से लेके ये यहाँ तक का आएगा लिंक। आप जैसे इसके होम पेज पर पहुंच जाएंगे तो ये लिंक वहां पर आपको शो होगा, तो आपको यहाँ पर कर देना है क्लिक। आप जैसे जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपको वहां पर सारी की सारी जो जो भी इंफॉर्मेशन होगी उसे अच्छी तरीके से पढ़ लेना होगा। इंफॉर्मेशन पढ़ने के बाद आपको जो है फॉर्म को पहले आप जैसे इंफॉर्मेशन पढ़ देंगे, तो पढ़ने के बाद आपको वहां पर अप्लाई ऑनलाइन का जो ऑप्शन होगा उस पर आप क्लिक कर देंगे। जो भी आपको कोर्सेज के लिए अप्लाई करना होगा वहां पर आप क्लिक करेंगे अप्लाई वहां। उसके बाद क्लिक करने के बाद आपको वहां पर जो भी रिक्वायरमेंट्स होंगी उसे फिलआउट करना पड़ेगा। जैसे आप उसे फिलआउट कर लेंगे तो फिलआउट करने के बाद आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे तो उसे भी आप अपलोड कर लेंगे, क्योंकि वहां पर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे जो कि आपको अपलोड करने पड़ेंगे, तो वो भी आप वहां पर अपलोड कर लेंगे। उसके बाद आपको एप्लीकेशन फ़ी पे करनी पड़ेगी, रिक्वायर एप्लीकेशन फ़ी जो भी फ़ी रिक्वायर होगी वो आपको फ़ी पे करनी पड़ेगी। उसके बाद जब पूरा फॉर्म आप फिलआउट कर लेंगे ये प्रोसेस फॉलो करते हुए, तो आपको फाइनली सबमिट के बटन पर क्लिक करना है, और प्लस एक प्रिंट आउट भी ले लेनी है उसकी, जो कि फ्यूचर में आपके काम आएगी। तो ये पूरा प्रोसेस था, इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप डायरेक्टली इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये प्रोसेस फॉलो करते हुए आप डायरेक्टली इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और फिर इसके बाद फिर इसको और स्कॉलअप करेंगे तो यहाँ पर इन्होंने इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बताया हुआ है कि कौन कौन सी इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, तो इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पर आप देख लेंगे क्योंकि दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमने सब कुछ दिया हुआ है कि इसकी स्टार्टिंग डेट कब होगी, लास्ट डेट कब है, और इसका एडमिट कार्ड कब रिलीज होगा, इसका एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम जो हमने पहले बताया था 26 से लेकर 28 के बीच में होगा इसका एग्ज़ाम, और जो रिजल्ट आएगा वो थर्ड वीक ऑफ इसमें आएगा, तो ये भी आप देख लेंगे। इसके बाद काउंसलिंग जो होगी वो जून तक होगी इसकी काउंसलिंग, तो ये पूरी इंफॉर्मेशन डेट्स की थी, इसे आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमने ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, इसे फॉलो करते हुए आप डायरेक्टली इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच सकते हैं। तो यहाँ दोस्तों ये पूरा प्रोसेस था, इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए यहाँ पर ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप JEECUP एंट्रेंस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली, और अपना एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ये पूरा प्रोसेस था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी प्रकार की एजुकेशन और करियर की न्यूज़ हम StudyDesire.com के चैनल पर डालते रहते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की बटन को प्रेस कर लें, क्योंकि आने वाले बहुत सारे एंट्रांस एग्जाम की इंफॉर्मेशन और बहुत सारे कॉलेजेस की इंफॉर्मेशन हम StudyDesire.com पर डालेंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, सिखाने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।